देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ। गंधवानी से भाजपा प्रत्याशी सरदार सिंह मेहरा टांडा नगर में प्राचीन शंकर मंदिर में जाकर बाबा का आशीर्वाद लिया। भारतीय जनता युवा मोर्चा एवं भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं से संवाद किया। वहीं दूसरी ओर सरदार सिंह मेहरा ने पूछने पर बताया कि पिछली बार 2013 में विधानसभा चुनाव कुछ कारणों से हारने के बाद अब की बार अच्छे मतों से जीतकर गंधवानी विधानसभा भाजपा की झोली में डालेंगे। भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता सुरेश जी महेश्वरी, विजय जी महेश्वरी, मंडल अध्यक्ष इंदर सिंह जी डामोर एवं भाजपा के अधिक कार्यकर्ता उपस्थित थे। साथ ही भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल महामंत्री मंडल जबर सिंह जी एवं मंडल उपाध्यक्ष दीपक सोनी, नगर अध्यक्ष अनुराग सचान, उपाध्यक्ष विशाल जी शर्मा, महामंत्री पलाश महेश्वरी, कोषाध्यक्ष एवं युवा मोर्चा सभी कार्यकर्ता एवं पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के सभी कार्यकर्ता एवं अजजा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मैं कार्यकर्ता बंधुओं से अपील करता हूं कि 2013 में मुझे पार्टी ने टिकट दिया था, उन्होंने मेरा 2018 फिर पार्टी ने मेरे पर विश्वास करें, कार्यकर्ता विश्वास दम पे मेरे को वापस मैदान में उतारा है। मैं कार्यकर्ता के बल पे ही भारतीय जनता पार्टी की गंधवानी विधानसभा जीत के हम देंगे, ये हमारा लक्ष्य है। इसे मध्य प्रदेश सरकार बनाए। भारतीय जनता पार्टी, दूसरी बार जनता पार्टी, जिंदाबाद जिंदाबाद। ग्रामीण कार्यकर्ताओं में आपका क्या एजेंडा रहेगा? ग्रामीण कार्यकर्ता ये एजेंडा रहेगा, हमारी सरकार ने काम किया है, उस काम पे विश्वास पे हम जो हमारे साथी योजना लेके जाएंगे उसी विश्वास पे हम जीतेंगे, ये हमारा लक्ष्य रहेगा। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने अनेकों काम कराए, जनहित काम कराए है, शिक्षा क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में और सिंचाई के साधन में अनेक मतलब काम किए, उसी बल पे हमको नीचे जाके हमको काम करना है और उसी बल पे हम भारतीय जनता पार्टी की सीट जीत के देंगे, ये हमारा लक्ष्य है। और अभी हम चुनाव हमारे कार्यकर्ता दम पे लड़ रहे हैं, हम खुद स्वयं चुनाव में लड़ रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता पर दम। टांडा से दीपक सोनी की रिपोर्ट। देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ।